नमस्कार दोस्तों, मिस्टीरियस बुक के खास अंक में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोनू। चलिए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और बात करते हैं रेसलमानिया 35 के बारे में। दोस्तों, रेसलमानिया 35 को होने में अब कुछ ही समय रह गया है। रेसलमानिया 35 का आयोजन 7 अप्रैल को किया जाएगा, जिसे भारत में 8 अप्रैल को देखा जाएगा। इस बार का रेसलमानिया बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस बार का रेसलमानिया न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम से लाइव किया जाने वाला है। और कहा जाता है कि स्टेडियम में 80,000 दर्शकों से भी ज्यादा दर्शक आकर आराम से बैठकर मैच देखते हैं। रेसलमानिया 35 कब, कहां और किस चैनल पर लाइव आएगा, चलिए इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी आज मिस्टीरियस बुक के इस अंक में देंगे। 8 अप्रैल 2019 सुबह 4:30 बजे से सोनी 10 और 10.1 HD पर इंग्लिश में लाइव आएगा दोस्तों। और 8 अप्रैल 2019 को सुबह 4:30 बजे से सोनी 10.3 HD में हिंदी में आता है, आपको तो पता ही है। इसके साथ ही रेसलमानिया 35 को अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो वह भी हम आपको बताते हैं। इसके लिए अगर आपके पास टीवी नहीं है और टीवी पर आप लाइव नहीं देखना चाहते हैं, आप HD में डायरेक्ट इंटरनेट पे देखना चाहते हैं, तो आप WWE के ऑफिशियली वेबसाइट में जाकर WWE नेटवर्क को सब्सक्राइब करके शो का फुल HD क्वालिटी में आनंद ले सकते हैं। WWE नेटवर्क पर सब्सक्राइब करने पर अभी आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल भी मिल रहा है दोस्तों, यानी 1 महीने आप फ्री में देख सकते हैं HD में। इसके अलावा जियो TV ऐप पर भी जाकर आप इस शो को देख पाएंगे। चलिए रेसलमानिया 35 में बुक किए गए कुछ मैचों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले मेन इवेंट में जो मैच होने वाला है वो होने वाला है रोंडा राउजी बनाम बेकी लिंच बनाम शार्लेट फ्लेयर। यह WWE स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच होने वाला है, जो कि इस बार काफी जबरदस्त होने वाला है। दूसरे मैच की बात करें तो वह होने वाला है ब्रॉक लेसनर बनाम सेथ रॉलिंस। WWE यूनिवर्सलशिप चैंपियनशिप के लिए यह मैच होने वाला है और इस मैच पर भी दर्शकों की निगाहें काफी हैं दोस्तों। अगले मैच की बात करें तो वो होने वाला है कोफी किंगस्टन बनाम डेनियल ब्रायन। आखिरकार कोफी किंगस्टन को रेसलमानिया में एंट्री मिल गई और उनको भी एक मैच मिल ही गया है, तो यह कोफी के लिए काफी जबरदस्त है। अगला मैच होने वाला है बेहद खास, वो है WWE वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के लिए। यह मैच एक्चुअली वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच होगा। इस बार यह मैच पर भी दर्शकों की निगाहें टिकी रहेंगी, हो सकता है नाया जैक्स कुछ नया करें। अगले मैच की बात करें तो वो भी बेहद खास होगा, वो होगा बॉबी लैसे बनाम फिन बैलर। इस मैच पर भी दर्शकों की निगाहें रहेंगी। अगले मैच की बात करें तो बेहद खास होने वाला है, वो मैच होगा समोआ जो बनाम रे मिस्टीरियो। इस मैच में रे मिस्टीरियो कुछ धमाकेदार काम करने वाले हैं। साथ ही अभी कहा जा रहा है कि यह हाईली प्रिडिक्टेबल मैच होगा। अगले मैच की बात करें वे होगा टोनी नीस बनाम बड़ी मर्फी के लिए। यह WWE क्रूजर वेट चैंपियनशिप मैच होने वाला है और यह भी बेहद खास होगा। अगले मैच की बात करें, यह भी बहुत ही हाईली प्रेडिक्टेबल मैच है और इस मैच पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। यह मैच होगा ट्रिपल एच बनाम बतिस्टा। यह मैच बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि यह मैच है नो होल्ड्स वार्ड मैच और इस मैच के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रिपल एच का यह आखिरी मैच भी हो सकता है। खैर, यह तो वक्त बताएगा। अगले मैच की बात करें तो वह होने वाला है सेन मैकमैन बनाम मिज। सेन मैकमैन ने मिज के पिताजी के सामने जब से मिज को कूटा है तब से फैंस अलग अलग बातें कर रहे हैं। फैंस यह भी कह रहे हैं कि दोनों की दोस्ती में जब से दरार आई है तो हो सकता है यह मैच बेहद ही खास हो जाए। अगले मैच की बात करें तो वो होने वाला है बैरन कॉर्बिन बनाम कर्ट एंगल। कई लोग कह रहे हैं कि यह कर्ट एंगल का रिटायरमेंट मैच है, ऐसे में इस मैच पर सबकी निगाहें जरूर रहेंगी। अगले मैच की बात करें वो भी बेहद खास होने वाला है, वो मैच होगा रोमन रेंस बनाम ड्रू मैकिंटायर। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मैच में रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर से बदला जरूर ले लेंगे। अगला मैच भी बेहद खास होने वाला है, वो होने वाला है AJ स्टाइल बनाम रैंडी ऑर्टन। यह मैच भी बेहद खास होगा दोस्तों। इन सबके साथ ही बेहद खास मैच होगा आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल मैच। इसमें अभी ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में ही नाम कहा जा रहा है, अन्य रेसलरों का नाम अभी आया नहीं है दोस्तों। रेसलमानिया 35 में होने वाले इन मैचों के बारे में पूरी जानकारी आ गई है। अभी भी कुछ मैचों का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। सीधी बात करें तो अंडरटेकर का नाम अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया है और ऐसे में रेसलमानिया 35 में कुछ ही समय बाकी रह गया है, तो हो सकता है डेडमैन अंडरटेकर एक सरप्राइज एंट्री करें या हो सकता है वो आए ही नहीं। साथ ही कुछ समय पहले स्टिंग ने भी अंडरटेकर के साथ मैच लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और इस मामले में भी कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आया है WWE की तरफ से। खैर, वक्त बताएगा आगे क्या होगा। जैसे ही रेसलमानिया 35 का पूरा मैच कार्ड आ जाएगा तो हम इस पर खास वीडियो बनाएंगे और जानेंगे रेसलमानिया 35 के प्रेडिक्शंस, रूमर्स और अन्य चीजों के बारे में। साथ ही यह भी जानेंगे किसकी जीत तय है और किसकी हार तय है।
तो देखते रहिए मिस्टीरियस बुक को। हमें उम्मीद है आपको आज का अंक पसंद आएगा। जल्द मिलते हैं कुछ खास नया लेकर इसी मिस्टीरियस बुक के चैनल पे। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सबसे विदा। नमस्कार।